जमशेदपुर के मुसलमानों ने झारखंड पुलिस पर लगाए गंभीर आरोप, बोले मस्जिद में घुसकर पुलिसकर्मी ने की तोड़फोड़। झारखंड के जमशेदपुर में हुई हिंसा को लेकर नए नए खुलासे हो रहे हैं। मकामी लोगों ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़ा करते हुए गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस उपायुक्त को लिखे पत्र में कहा गया है कि पुलिस ने मुसलमानों के खिलाफ एक तरफा कार्रवाई की है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों ने एसएसपी के सामने मुसलमानों की 5 से 7 दुकानों को आग के हवाले किया था। शास्त्री नगर की फारूकी मस्जिद में तरावी की नमाज के दौरान पुलिस ने इमाम साहब और नमाजियों को गिरफ्तार किया तथा पुलिसकर्मी जूते पहनकर मस्जिद में घुस गए। पत्र में लिखा गया है कि पुलिसकर्मियों ने मस्जिद के शीशे तोड़े तथा मुसलमानों के धार्मिक ग्रंथ कुरान पाक को भी फाड़ा। पुलिस पर मोहल्ले के सीसीटीवी कैमरे तोड़ने का भी आरोप है। पुलिस पर इलाके की सभी स्ट्रीट लाइटें तोड़कर मुसलमानों के घरों में घुसकर औरतों और बुजुर्गों को भी मारने का गंभीर इल्जाम है। इस पत्र की कॉपी झारखंड के मुख्यमंत्री, गृह सचिव और मुख्य सचिव को भेजी गई है, जिसमें एसएसपी को तुरंत हटाने, गिरफ्तार किए गए बेकसूर मुसलमानों को रिहा करने तथा आरोपी पुलिसकर्मियों और हिंदू संगठन के लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की गई है। पत्रकार आसिफ मुज्तबा ने कुछ वीडियो शेयर करते हुए लिखा है, वीडियो में देखा जा सकता है कि क्षेत्र में तनाव से निपटने के दौरान राज्य पुलिस ने कैसा व्यवहार किया है। यह उन मुस्लिम नेताओं के बयान का समर्थन करता है जिन्होंने पुलिस पर ज्यादती का आरोप लगाया था। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग ये बात उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं कि बड़ी उम्मीदों के साथ झारखंड की जनता ने उनको मुंतखब किया था और बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन अफसोस है कि झारखंड में भी उसी तरीके से मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे हैं और दोहरे पैमाने अपनाए गए हैं जिस तरीके से दूसरी जगह पर है। आज अभी हम लोग बिहार के बिहार शरीफ शहर से हालात को ही से जूझ रहे थे कि ये हमारे यहां शास्त्री नगर में जिस तरीके से गुंडों के साथ साथ पुलिस वालों ने गुंडागर्दी की है और मस्जिद के अंदर घुसकर ऐसे नारे लगाए हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त है, आपत्तिजनक है, उसके बाद शीशे तोड़े हैं, गाड़ियों को तोड़ा है, सीसीटीवी कैमरे में इसके फुटेज मौजूद हैं, रिकॉर्ड्स मौजूद हैं, ये इंतहाई अफसोसनाक है। हम जमशेदपुर के तमाम मुसलमानों की तंजीमें मुत्तहिदा तौर पर ये इस बात का ऐलान करती हैं कि अगर उन मुजरिमों को सजा नहीं दी गई जो वाकई मुजरिम है तो फिर ये आंदोलन की शक्ल इख्तियार करेगा और जमशेदपुर से निकलकर ये रांची, बोकारो, धनबाद और झारखंड के दीगर शहरों तक ये बात जाएगी। ये नाकाबिले बर्दाश्त है।